हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि अगर हम जो है मैसेंजर के एप्लीकेशन में अपना आईडी लॉग आउट कर देंगे तो इससे क्या होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे मैसेंजर एप्लीकेशन से अपना आईडी को लॉग आउट करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे अपना आईडी लॉग आउट कर देते हैं मैसेंजर के एप्लीकेशन से, तो ऐसे में आपका जो आईडी है वो यहाँ पर लॉग आउट हो जाता है। अब लॉग आउट होने का ये मतलब नहीं है कि आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आप एक बार लॉग आउट कर देंगे ना, तो दोबारा से आप जो है लॉग इन भी कर सकते हैं, उसी नंबर से लॉग इन कर सकते हैं जिस नंबर से आप लोग यहाँ पे लॉग आउट किया था। तो उसी नंबर से आप दोबारा से लॉग इन करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो दोबारा से जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉग आउट करने से आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब आप लोग यहाँ पर लॉग आउट करेंगे तो जो भी मैसेंजर एप्लीकेशन में आपने चैट वगैरह किया था वो सारे चैट जो है आपका डिलीट हो सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह आपने एक दूसरे को शेयर किया था तो वो सारे के सारे फाइल्स वगैरह जो है डिलीट हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो ही जाएगा। अगर आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके देखेंगे तो जो भी चैट रहेगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यही होगा, ठीक है। तो जब आपको लॉग आउट करना है तो सभी भी चीज़ें को देख के आपको लॉग आउट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।